नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित भारती सुश्रुत आयुर्वेद दर्शन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से एवियन के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। अभी एवियन की जो है इनकी स्टेज अभी आई है, सेकेंड टू थर्ड स्टेज आई है। मैं एक्सरे भी आपको दिखा दूंगा इनका, और इनका सबसे पहले मूवमेंट चेक करते हैं। अभी इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है। देखिए, अगर हम कोई से भी पंचकर्मा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं या रक्तमोक्षण दे रहे हैं, तो उसे पूर्वक्रम से स्टार्ट करना है। दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन से स्टार्ट करना है, तभी जाके हमें पंचकर्मा का 110% रिजल्ट मिलता है। अब कई डॉक्टर्स जो है सीधा वस्त्र दे देते हैं या फिर रक्तमोक्षण डायरेक्टली करवा देते हैं। चलो, रक्तमोक्षण की जो अवस्था होती है वो कर सकते हैं, लेकिन जो वस्त्र ट्रीटमेंट है ना, प्रॉपर प्रोटोकॉल से ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाके इसका आयुर्वेद में जो है इफेक्ट अच्छा देखने को मिलता है। तो चलिए, अभी हम पेशेंट का जो है स्नेहन और स्वेदन आज होने वाला है। दीपन पाचन और स्नेहन जो है काफ़ी दिनों से इनका चल रहा है, और स्वेदन आज पहली बार इनका हो रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि अभी पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है, इनका मूवमेंट आज चेक किया जाएगा कि कितना मूवमेंट आ रहा है प्रॉपर, और आफ्टर 15 डेज पेशेंट को कितना आराम आया, मूवमेंट कितने खुले हैं, ये सब चीज़ें अगली वीडियोज़ के माध्यम से दिखाई देंगी। फिलहाल पेशेंट्स का जो है अभी मूवमेंट चेक करते हैं। तो पेशेंट की एज है हमारी 26, और एक्सरे रिपोर्ट में आप साफ तरह से देख रहे होंगे हेड ऑफ फीमर एंड एसिटाकुलम जो है फ्यूज हो चुका है। तो देखिए मूवमेंट कितनी है, मूवमेंट का पता करते हैं। सबसे पहले ये इस वाले पैर को खड़ा कीजिए, मैक्सिमम कितना हो पा रहा है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। अभी इस वाले पैर को खड़ा कर दीजिए, ये नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीचे तो दोस्तों आप साफ साफ तरीके से देख सकते हो, ये वाला पैर जो है इनकी जो इस पैर की जो मूवमेंट है काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। ये वाले जो मसल्स हैं वो अलाउ नहीं कर रहे हैं ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि हेड ऑफ फीमर एंड एसिटाबुलम जो है फ्यूज हो चुका है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो अस्थिमज्जागत वात विकार की चिकित्सा की जाएगी। अब जो है 15 दिन के बाद आपको दिखाया जाएगा इस ट्रीटमेंट का क्या रिजल्ट रहा, प्रॉपर जो प्रोटोकॉल हम पंचकर्मा के माध्यम से फॉलो करते हैं, तो इस ट्रीटमेंट का कैसा रिजल्ट रहेगा 15 दिन के बाद। इन्हीं पेशेंट्स की बिफोर एंड आफ्टर की वीडियोज आपको दी जाएगी, अभी ये सिर्फ बिफोर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आयुर्वेद को अपनाइए, जीवन को अपनाइए। नमस्कार।